हाय फ्रेंड्स देखिए आज हम ये बहुत ही प्यारा सा बेबी स्वेटर बनाएंगे देखिए इसे मैंने नीचे से बनाया है तो सबसे पहले हम ये बॉर्डर बनाएंगे उसके बाद हम यहाँ पे येलो कलर से इसके ऊपर बनाएंगे यहाँ पे मैंने देखिए बॉर्डर वाइट कलर से बनाया है और यहाँ पे देखिए हमने इस तरह का बटन लगाया है ये झुटपुटी वाला बटन है यहाँ पर ऊपर इस तरह से हमने मोती लगा दिया है यहाँ पर भी देखिए हमने मोती लगाया है छोटी छोटी मोती बॉर्डर पर यहाँ पर फ्लावर देखिए ये इसका बैक साइड है आस्तीन में भी हमने इस तरह का बॉर्डर बनाया है देखिए इसी का सेट मैंने ये कैप बनाया है देखिए ये कैप इस तरह से नेक वार्मर के साथ में बनती है यहाँ पे हम इस तरह से ऐसे डोरी लगा लेंगे तो जितना इसे टाइट करना है तो हम अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे ये पम्पम देखिए बहुत ही प्यारी कैप है तो इस कैप की वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है उस वीडियो की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी तो आप उस पर क्लिक करके इस कैप की वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको ये कैप बनाना है तो उस लिंक पर क्लिक करके इसकी वीडियो देख के आप इसे बना सकते हैं आज इस वीडियो में हम ये स्वेटर बनाएंगे तो स्वेटर मैंने अलग अलग पार्ट में बना के अपलोड किया है देखिए एक पार्ट में मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है एक पार्ट में मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया है तो इसी तरह से अलग अलग पार्ट में मैंने इसे अपलोड किया है तो सारी वीडियोस के लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी दे तो आप उस पर क्लिक करके इसका पार्ट वन पार्ट टू इस तरह से जितने पार्ट मैंने इसे बनाए हैं आप सारे पार्ट इसे देख करके इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं देखिए बहुत ही प्यारी सी ये बेबी फ्रॉक है तो इसे हमें देखिए यहाँ से ऐसे नीचे से बनाना है तो पहले हम ये वाला बॉर्डर बनाएंगे देखिए फंदे हमें डबल धागे से डालना है ये देखिए नॉर्मल साइज़ का ऊन है वर्तमान का और ये दस नंबर की सिलाई तो पहले हम देखिए धागे को डबल करेंगे तो लगभग देखिए एक दो ऐसे ढाई मीटर धागा हमें ऐसे इस साइड में रखना है और यहाँ पे ऐसे हम धागे को डबल करेंगे अब यहाँ पे ऐसे हम नॉट लगा लेंगे देखिए इस साइड में धागे को बड़ा ही रखना है क्योंकि हमें ज़्यादा फंदे डालने हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ऐसे इतना बड़ा धागा कर लेंगे अब यहाँ पे हम फंदे डालेंगे देखिए ये वाला जो धागा है डबल वाला इसे हमें राइट हैंड में रखना है सीधे हाथ में और ये वाला हमें इस हाथ में रखना है बाएँ हाथ में अब ऐसे यहाँ पर हम फंदा बनाएंगे अब इसे हम इसके ऊपर से उतार देंगे देखिए पहला फंदा ढीला सा रहता है तो आप इसे पकड़े रहिए ये एक फंदा हो गया फिर से हमें उसी तरह से बनाना है ऐसे करके दो तीन चार पाँच देखिए इस तरह से हमें एक सौ उनसत्तर फंदे इसमें डालने हैं देखिए मैंने इसमें एक सौ फंदे डाल लिए हैं देखिए ये इसकी राइट साइड है सीधी तरफ पहली लाइन ऐसे देखिए राइट साइड में आएगी देखिए ये पहला फंदा हमें उतार लेना है बगैर बुने हुए अब सात फंदा हम सीधा बुनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात अब देखिए इसी इतनी डिज़ाइन को हमें रिपीट करते जाना है देखिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे पिन लगा के बता देती हूँ इसी इतनी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे देखिए धागा ऐसे पीछे के साइड में ही है ये वाला फंदा हमें उतार लेना है बगैर बुने हुए जैसे हमने इसे उतारा है अब यहाँ पे जैसे हमने ये पंदे बनाए हैं सीधे हमें यहाँ पे उसी तरह से बनाने हैं एक, दो तीन चार पाँच सात. देखिए ये पूरा एक सेट हो गया जिसे यहाँ पे है देखिए इस तरह से ये एक सेट ये एक सेट इसी तरह से हमें इतनी डिज़ाइन को रिपीट करना है यहाँ से यहाँ तक देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ से यहाँ तक, तक इसे बना लिया है हम यहाँ पे देखिए लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए लास्ट में ये एक फंदा हमने बगैर बुने हुए उतार लिया था उसके बाद यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात सात फंदा हमने सीधा बुन लिया है अब यहाँ पे देखिए लास्ट में ये एक फंदा है तो इसे हमें ऐसे बगैर बुने हुए उतार लेना है यहाँ पर इस तरह से फंदे सेट हो जाएंगे अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ अब देखिए इस साइड से हमें किस तरह से बनाना है देखिए ये वाला जो फंदा हमने बगैर बुने हुए उतारा है तो इसे हमें फिर से बगैर बुने हुए उतार लेना है ठीक है इसे हमने उतार लिया अब देखिए धागा हम पीछे की साइड में करेंगे पीछे की साइड में करके हमें सात फंदा सीधा बुनना है एक दो तीन चार पांच सात। देखिए सात फंदा सीधा हो गया अब यहाँ पे ये जो फंदा हमने बगैर बुने हुए उतारा था ये वो वाला फंदा है तो इसे हमें फिर से बगैर बुने हुए उतारना है तो देखिए धागा पीछे के साइड में है तो हम धागा आगे की साइड में लाएंगे और ये वाला फंदा ऐसे बगैर बुने हुए उतार लेंगे इस तरह से इसका ये सेट हो गया है धागा हम पीछे करेंगे अब यहाँ पे ये सात फंदा हमें सीधा बुनना है देखिए जो फंदा हमने बगैर बुने हुए उतारा है उस फंदे को हमें इस लाइन में भी बगैर बुने हुए उतारना है और जो फंदा हमने बुना था उस फंदे को हम इस लाइन में भी सीधा बुनेंगे बस हमें देखिए धागे को आगे पीछे करना है देखिए धागा हम पीछे करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ सात सात पंदा हमने सीधा बना लिया है अब यहाँ पे ये बेगैर बुना हुआ फंदा आ गया तो इसे हम फिर से उतारेंगे तो पहले हम धागा इस साइड में कर लेंगे और ये वाला पंदा हम उतार लेंगे अब धागा पीछे करके यहाँ पे ये सात पंदा हम सीधा बुनेंगे उसके बाद इसे हम फिर से उतार लेंगे तो फ्रेंड्स जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है अब यहाँ पे लास्ट में हमें उसी तरह से करना है देखिए धागा हम आगे करेंगे और ये वाला फंदा ऐसे बगैर बुने हुए उतार लेंगे क्योंकि ये बगैर बुना हुआ फंदा है तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से रहेगा देखिए दो लाइन हमने बना लिया है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में अब हमें इसकी तीसरी लाइन बनानी है फ्रेंड्स तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको अच्छे से समझाने के लिए ये पिन लगाया है इसे लगाना कोई ज़रूरी नहीं है आप उसी तरह से भी बना सकते हैं बस मैंने आपको अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे ऐसे पिन लगाया है अब यहाँ पे देखिए इसकी तीसरी लाइन हमें किस तरह से बनाना है ये वाला फंदा हमें उसी तरह से रखना है बगैर गुने हुए ऐसे उतार लेना है जो फंदा हमने उतारा था अब यहाँ पर इस फंदे में हमें देखिए किस तरह से बनाना है हम ऐसे सिलाई करेंगे अब इसमें हम ऐसे दो बार धागा लपेटेंगे देखिए ऐसे सिलाई करके एक दो इसे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से हमें दो बार धागा लपेट के सीधा बुनना है फिर एक दो देखिए ये एक दो फंदा हो गया फिर दो बार धागा लपेट के तीन फंदा दो बार धागा लपेट के चार दो बार धागा लपेट के पांच फिर दो बार धागा लपेट के दो बार धागा लपेट पे के सात यहाँ पे इस तरह से हमें है सात फंदा बनाना है दो बार धागा लपेट के अब यहाँ पे देखिए ये वाला फंदा बेगे गुना हुआ है तो इसे हम बेगे गुने हुए उतार लेंगे लेकिन देखिए हमें धागा पीछे के साइड में रखना है क्योंकि ये, ये राइट साइड है सीधी तरफ तो यहाँ पे धागा पीछे के साइड में है और इसे हम उतार लेंगे अब यहाँ पे हमें इसी तरह से बनाना है दो बार ऐसे धागा लपेट के ए दो तीन चार पाँच छ देखिए यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ से यहां तक बनाया था उसी तरह से हमने यहाँ पे बना लिया है अब इसी तरह से हमें यहाँ से यहां तक बनाना है देखिए यहां से यहां तक हमने बना लिया है देखिए लास्ट में भी यहाँ पे, पे इस तरह से हमने बना लिया है ये वाला फंदा हमने स्लिप कर लिया है तीन लाइन हो गई है अब ये इसकी चौथी लाइन है रॉन्ग साइड में अब देखिए चौथी लाइन हमें किस तरह से बनाना है देखिए ये वाला फंदा जो हमने उतारा है इस फंदे को इस लाइन में हमें उल्टा बुनना है देखिए पहला फंदा हमने उतारा था तो इसे हम ऐसे उल्टा बुन लेंगे धागा पीछे करके अब यहाँ पे हमें तीन फंदा बढ़ाना है देखिए हम किस तरह से बढ़ाएंगे ऐसे लपेट के ए दो तीन यहाँ पे तीन फंदा हमने बढ़ा लिया है अब ये जो लपेटा हुआ फंदा है इसे हम ऐसे खोल लेंगे ए दो तीन चार पंच सात। देखिए यहाँ पे ये सात फंदा लपेटा हुआ है तो इसे हमने खोल लिया है इसे हम इस सिलाई पे कर लेंगे देखिए ये सात फंदा अब देखिए धागा हमें आगे की साइड में करना है ऐसे और ये सातों फंदा हमें एक साथ उल्टा बुन लेना है देखिए ऐसे हम सिलाई करेंगे सारे फंदे में ऐसे देखिए यहाँ पे हमने फंदा बढ़ाया है तो यहाँ पे जब हम एक साथ सारे फंदे बुन देंगे तो यहाँ पे फंदा कम हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पे फंदे बरोबर हो जाते हैं देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स एक भी फंदा छूटना नहीं चाहिए धागा इस साइड में है ऐसे हम सारे फंदे एक साथ ऐसे उल्टा बुन लेंगे अब इसे उतार देंगे देखिए यहाँ पे हमने तीन फंदा बढ़ाया है इसी लेकर के चार हो गया तो अभी यहाँ पे हमें तीन फंदा फिर से बढ़ाना है तो यहाँ पे बराबर होंगे फंदे देखिए ऐसे एक दो तीन अब यहाँ पे देखिए सात फंदा ये हो गया है ये एक फंदा जो हमने उल्टा बुना है उसके बाद एक दो तीन चार पाँच छः सात यहाँ पे जितने फंदे थे नीचे उतने फंदे यहाँ पे हो गए हैं ठीक है अब यहाँ पे फिर से धागा हम आगे करेंगे और देखिए ये फंदा जो हमने स्लिप किया था इसे हम उल्टा बुनेंगे बगैर बुना हुआ फंदा है ये धागा आगे करके ऐसे उल्टा अब धागा पीछे करके हमें इसी तरह से फिर से बनाना है देखिए जिस तरह से हमने ये वाला फंदा बनाया था उसी तरह से हमने इस फंदे को बना लिया है अब यहाँ पे हमने फंदे बढ़ाए हैं तो यहाँ पे भी हम इसी तरह से बनाएंगे पहले हम तीन फंदे बढ़ाएंगे एक दो तीन देखिए धागा हम आगे कर लेंगे अब यहाँ पे ये सारे फंदे हम खोल लेंगे एक दो तीन चार पच सात। देखिए सात फंदा हमने खोल लिया है देखिए सिलाई हमें सारे फंदे में ऐसे करना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया था ये वाला फंदा देखिए ये वाला तो हमें यहाँ पे उसी तरह से बनाना है देखिए धागा आगे की साइड में है सारे फंदे हमें एक साथ ऐसे उल्टा बुनना है यहाँ पे ये इस तरह से हो गया अब धागा पीछे करेंगे यहाँ पे हम फिर से तीन फंदा बढ़ाएंगे एक दो तीन अब यहाँ पे फंदे बराबर हो गए अब यहाँ पे हम इस फंदे के पास आ गए हैं तो फ्रेंड्स जिस तरह से हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है यहाँ से यहाँ तक बनाया है हम उसी तरह से बनाएंगे इस फंदे को उल्टा बना के धागा पीछे करके एक दो तीन फंदा अब यहाँ पे हमें ये सारे फंदे खोल के इसी तरह से बनाना है तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे देखिए फ्रेंड्स यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है हम यहाँ पे देखिए लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला फंदा हमने इस तरह से बना लिया है यहाँ पे हम एक दो तीन फंदा बढ़ा के ये लास्ट वाला फंदा भी ऐसे उल्टा बोलेंगे लेंगे देखिए इस तरह से इसकी चौथी लाइन हमने कंप्लीट कर लिया है देखिए ये इस तरह से बन गया है अब देखिए हमें पूरी लाइन सीधी बनानी है ऐसे देखिए ये वाला फंदा हमें ऐसे इस तरह से सीधा बोल लेना है देखिए यहां पे ये इस तरह से बन रहा है तो फ्रेंड्स जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है उसी तरह से हमें ये पूरी लाइन सीधी बुन के कम्प्लीट करना है देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन हो गई है यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में पाँच लाइन हमने बना लिया है ये इसकी छठी लाइन है अब देखिए इसकी छठी लाइन हमें सीधी बुनना है देखिए इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बुनना है देखिए मेरी ये लाइन हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ देखिए छः लाइन हमने बना लिया है ये इसकी सातवीं लाइन है तो फ्रेंड्स इस लाइन में हमें फंदे घटाने हैं अब देखिए यहाँ पे ये जो पहला फंदा है इसे हम उतार लेंगे और धागा इस तरह से हम पीछे कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे चैन की तरह यहाँ पे बनेगा देखिए ए दो तीन देखिए ये सिर्फ पहला फंदा हमें उतारना है ये ध्यान रखिएगा हर लाइन में हमें ये पहला फंदा उतारना है अब यहाँ पे देखिए एक दो तीन तीन फंदा हमने बना लिया है अब यहाँ पे हमें दो का एक करना है यानी कि हमें एक फंदा यहाँ पे कम करना है देखिए ऐसे दोनों फंदे में हम सिलाई करेंगे धागा देखिए पीछे के साइड में है दोनों फंदे में सिलाई करके ऐसे हम दो का एक कर देंगे देखिए यहाँ पे एक फंदा कम हो गया अब फिर से यहाँ पे एक दो तीन तीन फंदा सीधा अब यहाँ पे फिर से हमें दो का एक करना है ऐसे दोनों फंदे में सलाई करके एक फंदा हम कम कर देंगे यहाँ पे इस तरह से हो गया फिर यहाँ पे एक, दो तीन फिर से हम यहाँ पे दो का एक करेंगे देखिए इसी तरह से हमें यहाँ पे बनाते हुए जाना है एक दो थीन. तीन तीन फंदा सीधा फिर यहाँ पे दो का एक फिर यहाँ पे एक दो तीन फिर यहाँ पे, पे दो का एक इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक सारे पंदे इसी तरह से घटा लेने हैं तीन फंदे के बाद हम एक एक फंदा ऐसे घटाते हुए जाएंगे यहाँ से यहाँ तक देखिए मेरी लाइन हो गई है यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है हम यहाँ पे देखिए लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पे देखिए ये तीन फंदा मैंने सीधा बुना है अब यहाँ पे हम दो का एक करेंगे दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे अब यहाँ पे देखिए ये चार फंदा बच रहा है तो ये चारों फंदा हमें सीधा बुन लेना है देखिए इस तरह से सातवीं लाइन कंप्लीट हो गई है देखिए अगर आप इस तरह का बॉर्डर बनाना चाहते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में तो आपको यहाँ पे इस तरह से फंदों को घटाना पड़ेगा आप यहाँ पे ज़्यादा फंदे डाल लीजिए उसके बाद यहाँ पे जितने फंदे आपको चाहिए स्वेटर के लिए आप फंदों को घटा के उतना कर लीजिए तो ये डिज़ाइन अच्छे से यहाँ पर ऐसे दिखती है अदरवाइज़ ये ऐसे फैल जाता है जब हम इसमें बराबर फंदे ऐसे लेके जाते हैं तो ये डिज़ाइन इस तरह से ऐसे फैल जाती है तो इसलिए हमने यहाँ पे फंदों को ज़्यादा रखा है और यहाँ पे हमने फंदे घटा लिए हैं जितने हमें स्वेटर के लिए चाहिए हमने यहाँ पे उतने फंदे कर लिए हैं इस तरह से ये हो गया अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में देखिए सात लाइन हमने बना लिया है ये इसकी आठवीं लाइन है तो यहाँ पर हमें आप सिर्फ सीधा सीधा बुनते हुए जाना है देखिए ऐसे ये पहला फंदा हम उतार लेंगे हर लाइन में धागा ऐसे पीछे करके ऐसे हम सीधा बुनेंगे देखिए इस तरह से हम यहां से यहां तक बनाएंगे देखिए मेरी लाइन हो गई आठ लाइन हमने बना लिया है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में देखिए मैं आपको यहाँ पे पंदों को गिन के बता देती हूं कि कितने पंदे यहाँ पे हैं मैं ऐसे देखिए दो दो पंदा ऐसे गिनूंगी एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाइस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अड़तीस उनचालीस चालीस इकतालीस बयालीस तिरालीस चौवालीस पैंतालीस छियालीस सैंतालीस अड़तालीस उनपचास पचास देखिए हमने यहाँ पे पचास तक गिना तो पचास का डबल यहाँ पे सौ यहाँ से यहाँ तक हमारे पास सौ फंदा हो गया है अब यहाँ पे सौ फंदे के बाद यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस देखिए यहाँ पे एक सौ छत्तीस पंदे यहाँ पे हैं तो जितने पंदे हमें चाहिए स्वेटर के लिए उतने पंदे यहाँ पे हो गए हैं हमें पंदे नहीं घटाने हैं हम अब इतने ही पंदे बुनते हुए जाएंगे। देखिए आठ लाइन हमने बना लिया है ये इसकी नवी लाइन है पहला फंदा इसे उतार के धागा हम पीछे करेंगे हमें सिर्फ सीधा बुनते हुए जाना है देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे देखिए मेरी लाइन हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ देखिए नौ लाइन हमने बना लिया है ये इसकी दसवीं लाइन है मैं आपको थोड़ा थोड़ा ऐसे हर लाइन में बना के बता देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए बनाना है ऐसे हमें सीधा बुनना है इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे देखिए ये लाइन हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में दस लाइन हमने बना लिया है ये इसकी ग्यारहवीं लाइन है हमें उसी तरह से बनाना है पहला फंदा उतार के ऐसे हम सीधा बुनते हुए जाएंगे यहाँ से यहाँ तक देखिए ये लाइन हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में ग्यारह लाइन हमने बना लिया है ये इसकी बारहवीं लाइन है तो इसे भी हम उसी तरह से बनाएंगे पहला फंदा उतार के धागा पीछे करेंगे और ऐसे हम सीधा बुनेंगे इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ तक बनाना है देखिए फ्रेंड्स मेरी लाइन हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ देखिए हमने यहाँ पे बारहवीं लाइन कंप्लीट कर लिया है देखिए टोटल यहाँ से यहाँ तक हमने बारह लाइन बनाया है वाइट कलर से अब यहाँ पे देखिए हमें पांच फंदे का वाइट कलर से बॉर्डर बनाना है उसके बाद यहाँ पे हम येलो कलर ज्वाइन करेंगे बारह लाइन टोटल यहाँ पे हमने बनाया है अब यहाँ पे ये यह पहला फंदा तो हमें उसी तरह से करना है ऐसे हम उतार लेंगे धागा पीछे करके देखिए एक दो तीन चार पाँच पाँच फंदा हमने सीधा बना लिया है अब यहाँ पे हम धागा ज्वाइंट करेंगे देखिए इसमें ऐसे हम नॉट लगा लेंगे देखिए यहाँ ये धागा ज्वाइंट हो गया अब यहाँ पे देखिए हमें ये दोनों धागा आपस में ऐसे उलझा लेना है ताकि यहाँ पे गैप ना आए ठीक है ऐसे देखिए यहाँ पे ये ऐसे इस तरह से है तो यहाँ पे हम ऐसे ऐसे इस तरह से कर लेंगे अब यहाँ पे ये वाला जो धागा है इसे हम छोड़ देंगे यहीं पे और इस कलर के धागे से हमें ऐसे सीधा बुनना है इस तरह से हम यहाँ से देखिए यहाँ तक बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच हम यहाँ तक बनाएंगे येलो कलर देखे, देखे, से देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन हो गई है यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है यहाँ पे देखिए पांच फंदा बचा है तो ये पांच फंदा हमें इसी तरह से बनाना है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है वाइट कलर से अब देखिए ये वाला जो धागा है तो इसे हम यहीं पे छोड़ देंगे इस धागे से हमें यहाँ पे बुनते हुए जाना है और यहाँ पे बुनने के लिए हमें देखिए अलग से धागा लेना है तो यहाँ पे हम फिर से ये वाला धागा ज्वाइन करेंगे ऐसे अब यहाँ पे इसे हम ऐसे लपेट लेंगे ऐसे इस तरह देखिए एक दो तीन चार पाँच देखिए इस तरह से ये लाइन कंप्लीट हो गई है इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ अब यहाँ पे ये पहला फंदा उतार के धागा हम पीछे करेंगे देखिए पांच फंदा हमने सीधा बुन लिया है व्हाइट कलर से ठीक है अब यहाँ पे धागा हम आगे की साइड में कर लेंगे अब देखिए ये जो बॉर्डर के फंदे हैं इसे हमें हर लाइन में सीधा बुनते हुए जाना है दोनों तरफ का बॉर्डर यहाँ का भी और यहाँ का भी और यहाँ पे हम देखिए लॉन्ग साइड में है तो यहाँ से यहाँ तक हमें पूरी लाइन उल्टी बनानी है अब देखिए धागा हमें इसमें ऐसे लपेट लेना है देखिए इस तरह से है ऐसे हम उल्टा बुनेंगे देखिए इस तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे देखिए मेरी ये लाइन हो गई है यहाँ से यहाँ तक मैंने बना लिया है यहाँ पे देखिए मैं लास्ट में आ गई हूँ तो यहाँ पे ये यह फंदे हमें सीधे बनाने हैं तो ये वाला धागा हमें पीछे की साइड में करना है तो पहले हम यहाँ पे ऐसे इसे लपेट लेंगे फिर ये धागा ऐसे पीछे करके ये पाँच फंदे हम सीधे बुनेंगे देखिए यहाँ पे ऐसे धागे को टाइट कर लीजिएगा नहीं तो यहाँ पे होल हो जाएगा देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ अब देखिए इसी दो लाइनों को हमें रिपीट करते जाना है यहाँ पे हम इसी तरह से बनाएंगे ये पांच फंदा सीधा उसके बाद यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सीधा फिर ये पांच फंदा सीधा वाइट कलर से अब यहाँ पे फ्रेंड ध्यान दीजिएगा धागे को हमें लपेटना है उसके बाद हमें बुनना है नहीं तो यहाँ पे होल हो जाएगा तो यहाँ पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा अब देखिए इसी तरह से इसी दो लाइन को रिपीट करते हुए हमें इसकी लंबाई बना लेना है जितना बड़ा इसे हम बनाना चाहते हैं देखिए फ्रेंड्स हमने इसकी लंबाई बना लिया है देखिए मैं इसे नाप के बता देती हूँ देखिए लगभग सात इंच हमने इसकी लंबाई रखी है अब देखिए लंबाई बनाने के बाद हमें यहाँ पे डिज़ाइन बनाना है तो डिज़ाइन बनाने के लिए हमें पहले तीन पार्ट में इसे कर लेना है देखिए बासठ फंदे हमें बीच में रखने हैं और बत्तीस इस साइड में बत्तीस इस साइड में और पांच फंदा यहाँ पे बॉर्डर का और पांच फंदा यहाँ पे बॉर्डर का इस तरह से हमें यहाँ पे फंदों को बांट लेना है तीन पार्ट में तो फ्रेंड्स हमें इसमें किस तरह से डिजाइन बनाना है ऊपर मैं इसके अगले वीडियो में बना के बताऊँगी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा मैं लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी आप इसका पार्ट टू देख लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे थैंक यू